गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टॉपिक की चर्चा करूंगा, जो कि आपके बीए पार्ट टू ऑनर्स इकोनॉमिक्स के पब्लिक फाइनेंस पेपर में सिलेबस में है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके पब्लिक फाइनेंस का एक आधार तैयार करता है। क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना है कि समाज को अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होता है। सार्वजनिक व्यय जब सरकार करती है, तो उस परिस्थितियों में जबकि आप टैक्स के माध्यम से सेक्रीफाइस करते हो और पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से आपको बेनिफिट प्राप्त होता है, तो अधिकतम सामाजिक लाभ कब प्राप्त होगा, किस दशा में प्राप्त होगा, आज हम इसको चैप्टर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पब्लिक फाइनेंस का ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आइए देखते हैं। जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, इसको सबसे पहले ब्रिटेन के एक बड़े फेमस और रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हुए हैं, हर्ज डॉल्टन, उन्होंने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह होता है कि गवर्नमेंट के इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को स्टडी करती है। डाल्टन भी यही बात मानते थे और उन्होंने भी यही कहा कि गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये एक दूसरे के साथ वित्तीय क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ समायोजन करते हैं, कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या करती हैं, जो इनकम होगा गवर्नमेंट का और जो एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, उसको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं। ओके, अब डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन ने यह भी कहा कि जो बजटरी एक्टिविटीज होती हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे परचेजिंग पावर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में ट्रांसफर कर दें। ओके, या एक जो बड़ा सेगमेंट है पब्लिक का, जो जनता है और जो एक गवर्नमेंट है, ओके, ये परचेजिंग पावर को गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों के पास और फिर लोगों के पास से गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर देती है। ओके, जैसे टैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लोगों के ऊपर कर लगाया जाता है। आप जानते हैं कि टैक्स डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, कोई भी व्यक्ति टैक्स से बच नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के माध्यम से चेंज ला करके टैक्सेशन को बढ़ा दे, तो परचेजिंग पावर होगा वो क्या होगा, टैक्स पेयर के हाथों से निकल करके गवर्नमेंट के हाथों में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुई है पर्याप्त मात्रा में। अब गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से जो परचेजिंग पावर है, उसको पुनः लोगों के पास ट्रांसफर कर देती है। तो फिर लोगों की क्या होगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। यानी कि जहां टैक्सेशन के माध्यम से परचेजिंग पावर लोगों के हाथों से निकल करके गवर्नमेंट के पास चली जाती है, वहीं
पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से गवर्नमेंट के हाथों से निकल करके लोगों के पास ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनके माध्यम से सरकार एक सेक्रीफाइस, जिसको आप इकोनॉमिक कंसेप्ट में कहेंगे तो वो डिसयूटिलिटी को जन्म देती है। डिसयूटिलिटी किसे हुआ, यहां एग्जाम्पल के लिए जो टैक्स लगाया गया लोगों के ऊपर, टैक्स लगाने के कारण क्या हुआ, लोगों ने अपनी सुविधाओं का त्याग किया। न सिर्फ सुविधाओं का त्याग किया बल्कि गवर्नमेंट के पास अपनी परचेजिंग पावर को भी ट्रांसफर कर दिया। तो लोगों के पास ट्रांसफर करने से क्या होगा, उनके पास बर्डन आएगा उनके ऊपर, तो यह बर्डन एक डिसयूटिलिटी को जन्म देगा, यानी लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसी को उलट के देखिए, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो परचेजिंग पावर लोगों के हाथों में आएगा, तो लोगों के हाथों में अगर परचेजिंग पावर आएगा तो जितना अधिक एक्सपेंडिचर करेगी उतना ही अधिक मात्रा में लोगों के पास परचेजिंग पावर शिफ्ट होगा और उतना ही लोगों को बेनिफिट होगा, और इकोनॉमिक कंसेप्ट में कहेंगे तो उन्हें उतनी ही अधिक मात्रा में यूटिलिटी प्राप्त होगी। अब आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे कार्य करती है। अच्छा, अब इस चेंज का परिणाम क्या होगा, जो ये ट्रांसफर हो रहा है गवर्नमेंट से लोगों के पास या लोगों के से गवर्नमेंट के पास, वास्तव में इसका रिजल्ट ये होगा कि यह पूरे पैटर्न को चेंज कर देगा। वह पैटर्न क्या होगा, वह पैटर्न होगा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कंजम्पशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मुख्य रूप से इन तीनों के पैटर्न को ये चेंज कर देगा। ओके, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पैटर्न को ही फाइनेंशियल एक्टिविटीज के माध्यम से गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। और इनको चेंज करने से क्या होगा, आप समझ सकते हैं जो इनकम होगा और जो वेल्थ होगा वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, यानी कि उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी जो महत्वपूर्ण वित्तीय क्रियाएं हैं वह एक नए डायमेंशन को प्राप्त होंगी। कब, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के माध्यम से। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह जानना है कि जो पैटर्न में जो चेंज हो रहा है वह सोशली बेनिफिशियल है या नहीं है। अब हम धीरे धीरे उस मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो प्रिंसिपल की तरफ बढ़ेंगे जो डॉल्टन ने दिया है। जो पैटर्न चेंज होगा ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर से वह बेनिफिशियल है अथवा समाज की दृष्टिकोण से नहीं बेनिफिशियल है, जब हम इसे देखेंगे तो यहीं पे यह सिद्धांत निकल कर आएगा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कब प्राप्त होगा। ओके, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की स्थिति कब आएगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के फलस्वरूप। आप समझ रहे होंगे कि जब मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो इसका मतलब गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से है। इसका परिणाम क्या होगा, यदि सामाजिक रूप से लाभ प्राप्त होता है, समाज के लिए बेनिफिशियल होता है, तो आप कह सकते हो कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज न्यायपूर्ण है, अगर नहीं होता है तो आप उसे न्यायपूर्ण नहीं कह सकते। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ह्यूज डॉल्टन द सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इट्स मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को
दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो डाल्टन इसे एक पब्लिक फाइनेंस का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। यहीं पे एक बेस तैयार होता है पब्लिक फाइनेंस का, जिसके ऊपर आप एक बड़ी इमारत पब्लिक फाइनेंस की खड़ी करते हैं। पब्लिक फाइनेंस का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो लोगों के वेलफेयर को बढ़ाना है, अधिकतम सामाजिक लाभ कब प्राप्त होगा। अधिकतम सामाजिक लाभ का जो ये सिद्धांत होता है इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने का कार्य करेगा। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को इस प्रकार लगाया जाए कि जिस बिंदु पर पब्लिक एक्सपेंडिचर से होने वाला सोशल बेनिफिट होगा वह टैक्स के कारण होने वाले डिसयूटिलिटी के बराबर होगा। ओके? जहां पे लाभ प्राप्त हो रहा है लोगों को बेनिफिट के माध्यम से, उसको आप मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव करेंगे। ओके? और टैक्स के माध्यम से जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसे आप मार्जिनल डिसयूटिलिटी के माध्यम से डिराइव करेंगे। अर्थात जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ सेक्रीफाइस आफ्टर इम्पोस्ट ऑफ टैक्स, दैट विल बी इक्वल एट दैट पॉइंट देयर विल बी अ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ओके? अब इस सिद्धांत के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण एजम्पशंस हैं, अन्य आर्थिक सिद्धांतों की तरह ही उसे हम देखेंगे। सम एजम्पशंस, आइए कुछ इसकी मान्यताओं को देखते हैं। जिसकी पहली मान्यता है वो ये है, डाल्टन मानता है कि जो टैक्स पेयर होगा, यानी कि जो टैक्सेशन होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तथा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा ही सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। जब भी टैक्स लगाया जाएगा तो लोगों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, डिसयूटिलिटी से आप इसे डिराइव करोगे, और जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो बेनिफिट होगा सोसाइटी को, और इसे आप मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव करोगे। दूसरा महत्वपूर्ण एजम्पशन क्या है कि टैक्सेशन इज ओनली सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ओके? यानी सरकार को जो आय का एकमात्र स्रोत क्या है, वो टैक्सेशन ही है, इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू में केवल टैक्सेशन ही कंट्रीब्यूशन देता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात डाल्टन नहीं करता है। ओके? तीसरा महत्वपूर्ण एजम्पशन क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस्ड बजट बनाती है। ओके? ओनली बैलेंस्ड बजट, ना ही सरप्लस और ना ही डेफिसिट बजट। ठीक है? और चौथा बड़ा ही जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो क्या है कि जो सार्वजनिक व्यय होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, उसके कारण लोगों को जो लाभ प्राप्त होगा वो डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट होगा, और जो टैक्सेशन से लोगों को त्याग करना पड़ रहा है उसका सीमांत दर क्या होगा, वो इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस होगा। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड टैक्सेशन इज सब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। ओके?
चारू जंक्शन, आप एक बार पुनः आपको रिकैपिचुलेट कराना चाहता हूं कि टैक्स के माध्यम से लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से लोगों को बेनिफिट प्राप्त होता है। टैक्सेशन ही सरकार की आय का एकमात्र स्रोत है। गवर्नमेंट हमेशा बैलेंस्ड बजट बनाती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर के कारण लोगों को जो बेनिफिट होता है वो क्या होगा, हर एक अतिरिक्त इकाई के साथ घटता हुआ होगा जो बेनिफिट प्राप्त होगा, और टैक्सेशन के कारण जो त्याग होगा वो हर एक अतिरिक्त इकाई के कारण वो त्याग बढ़ते हुए दिशा में होगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस होगा। क्यों होगा इसे हम अभी थोड़ा और विस्तार से देख रहे हैं। ओके, दूसरी मान्यता क्या है कि टैक्स इज वनली सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि केवल टैक्स ही गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात डाल्टन नहीं कर रहा है। तीसरा जंक्शन क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा बैलेंस्ड बजट बनाती है, ना ही सरप्लस और ना ही डेफिसिट का बजट बनाती है, केवल बैलेंस्ड बजट बनाती है। और चौथा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण मान्यता है वो ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के मामले में डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट का नियम लागू होगा और टैक्स के मामले में इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस का नियम लागू होगा। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस क्या होता है। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस सीमांत सामाजिक त्याग। वास्तव में जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है यह उस अमाउंट को बतलाता है जो कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ टैक्स इंपोज होने पर सोशल सेक्रीफाइस में जो वृद्धि होती है। ठीक, आप जानते हो टैक्स के कारण लोगों को डिसयूटिलिटी होती है, त्याग करना पड़ता है, तो एवरी यूनिट ऑफ टैक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जाएगा उसके कारण यूटिलिटी में लॉस होगा। डाल्टन कहता है कि जो एडिशनल बर्डन होगा एडिशनल टैक्स के कारण, ठीक है, वह प्रत्येक यूनिट ऑफ टैक्स के साथ बढ़ते हुए दर से होगा, यानी जैसे जैसे हर यूनिट ऑफ टैक्स लगाया जाएगा तो जो बर्डन है लोगों को ऊपर जो त्याग करना पड़ता है वो इंक्रीजिंग होगा, यानी बढ़ती हुई दर से होगा, जिसे इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कहा गया है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अगर आपने बीए पार्ट वन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, जब टैक्स लगाया जाएगा तो लोगों के पास जो मनी स्टॉक होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, यानी उन्हें परचेजिंग पावर तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया तो उनके पास अब कम मनी रह गया खर्च करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब उनके पास कम मुद्रा रह जाएगी तो उस मुद्रा का उपयोगिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि उनके पास कम ही मुद्रा है, तो जो मनी जो लोगों के पास अब रह जाएगा टैक्स के बाद वो क्या होगा, वो और अधिक उनके लिए कीमती हो जाएगा। इसके कारण उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी वो अपने आप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का जो टैक्स लगाया जाएगा उसको समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ते हुए दर के साथ आगे जाएगा। आइए इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को समझते हैं।
देखिए आपने एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ टैक्स को दिखा दिया, यूनिट ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक, और वाई एक्सिस पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को दिखाया। तो जो कर्व होगा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व क्या होगा, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। देखिए जैसे जैसे यूनिट ऑफ टैक्स आप लगा रहे हैं, हर यूनिट ऑफ टैक्स के कारण मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस क्या हो रहा है और अधिक तेजी से बढ़ रहा है। ठीक, अब जो ये जो आपको रेट दिख रहा है वह यूनिट ऑफ टैक्स भले ही थोड़ा सा कम ही लग रहा है, सपोज दैट ये, बट इसमें जो वृद्धि होगा वो ज्यादा होगा। सोशल सेक्रीफाइस में जो वृद्धि हो रहा है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस होने के कारण ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व। ठीक, आपने देखा कि हर यूनिट ऑफ टैक्स के साथ सोशल सेक्रीफाइस में कैसे वृद्धि होती जा रही है। तो इसके कारण ये क्या होगा, अपवर्ड होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक, अच्छा अब आइए इसके दूसरे पहलू पे आते हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या होता है। सीमांत सामाजिक लाभ, सीमांत सामाजिक लाभ क्या होता है, देखिए मैक्सिमम सोशल बेनिफिट कब होगा, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, ठीक, जब टैक्सेशन होता है तो लोगों को त्याग करना पड़ता है, और जब सरकारें एक्सपेंडिचर करती हैं सामाजिक कार्यों के लिए, लोगों के वेलफेयर को बढ़ाने का काम करती हैं तो लोगों तक लाभ पहुंचता है। वास्तव में पब्लिक एक्सपेंडिचर की एक जो एक्स्ट्रा यूनिट खर्च की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके कारण समाज को जो लाभ प्राप्त होता है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि समाज के कल्याण में जो वृद्धि होती है उसे मार्जिनल सोशल बेनिफिट कहते हैं। ठीक, जिस प्रकार डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ लागू होता है, जिसमें कि वस्तु की इकाइयों का आप जैसे जैसे उपभोग बढ़ाते जा रहे हो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है, तो उसी प्रकार प्रत्येक एडिशनल यूनिट ऑफ जो एक्सपेंडिचर होगा उसके कारण लोगों को जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, घटते हुए दर से प्राप्त होगा। ठीक, यानी जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अपने बढ़ाती जाती है तो वो उसका जो लाभ प्राप्त होता है वो पहले अधिक होता है फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, इसीलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट की बात कही गई है। आप जानते हो कि गवर्नमेंट पहले किस चीज को खर्च करती है, कहां पे, जो मोस्ट इसेंशियल नेसेसिटीज होती हैं लोगों की, समाज की, वहां पे गवर्नमेंट खर्च करती है। मोस्ट इसेंशियल नेसेसिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप जब बात करते हो, बिजली पानी सड़क, जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है, पहले गवर्नमेंट उसको खर्च करती है, वहां पे अपना बजट एलोकेट करती है, फिर उसके बाद उससे लेस इसेंशियल चीजों पे खर्च करती है। तो ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व होगा वो कैसा होगा, वो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो कर्व था ठीक उसके उलट होगा, वो
अपवर्ड स्लोप था, ये डाउनवर्ड स्लोप होगा। आइए हम इस एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या होता है। ये एक्स एक्सिस पे आप दिखा देंगे यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक, और यहां पे वाई एक्सिस पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब ये कर्व कैसा होगा? ये डाउनवर्ड स्लोप का होगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व। यानी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, जो सोशल बेनिफिट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन घटती हुई दर के साथ बढ़ेगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस क्या होता है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या होता है। अब आते हैं हम अपने इस प्रिंसिपल के सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो किस पॉइंट पर प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है उसको डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक, यहां पे आप एक्स एक्सिस पे दोनों ही दिखा सकते हैं कि यूनिट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर और यहां वाई एक्सिस पे आपने मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस दोनों को दिखाया। देखिए आपने अभी देखा कि ये जो कर्व है ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट का कर्व है जिसे आपने अभी भी देखा, और उसके तुरंत पहले हमने चर्चा किया था मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व का। ये मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व हो गया आपका, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब डाल्टन कहता है कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का पॉइंट होगा। ठीक, सपोज दैट यहां गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर वो ओक्यू है, ठीक, यहां पे, तो इस अवस्था में ओ आर जो होगा वो क्या है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी है, ठीक, और वही मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है। यानी जहां पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के बराबर होगा वही वो पॉइंट है जहां पर समाज को मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, अधिकतम सामाजिक कल्याण इसी बिंदु पर हो रहा है। ठीक है, यही हमारा वो अधिष्ट बिंदु है जिसे हमें प्राप्त करना था। अब देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर एक कोई पॉइंट लेते हैं पी वन ओ क्यू एन टैक्स लगाते हैं, यहां मान लीजिए ये एस वन हो गया। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे ओ क्यू एन अमाउंट जब टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर का है तो इस अवस्था में जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो कितना है,
मार्जिनल सोशल बेनिफिट पी वन क्यू वन है, यानी कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो पी वन टू क्यू वन, ये टोटल क्या है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट है। और जो सेक्रीफाइस है वो कितना है, एस वन क्यू वन, यानी कि सेक्रीफाइस क्या है, लेस है देन बेनिफिट से। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को पता है कि लाभ ज्यादा पहुंच रहा है, उस अनुपात में उस रेशियो में लोग सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, तो टैक्स को बढ़ा देगी, ठीक है, और अधिक टैक्स इंपोज करेगी। और टैक्स को इंपोज करेगी तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के पास अधिक रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट अधिक और अधिक एक्सपेंडिचर करेगी। इसके कारण जो ये तब तक होता रहेगा जब तक ये ओक्यू बिंदु तक शिफ्ट नहीं हो जाता है, और इस दशा में आप देख रहे हो कि अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है जब सोशल सेक्रीफाइस और सोशल बेनिफिट दोनों पी क्यू हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसके आगे कोई एक पॉइंट आप ले लेते हो तो वहां पे देखो क्या स्थिति होती है। सपोज दैट यहां आपने पी टू पॉइंट लिया और ये पी टू आपने यहां लिया और ये एस टू है क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर्व है, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है, और जो अमाउंट है वो ओ क्यू टू है। तो इस दशा में जब ओ क्यू टू टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर होता है, इस दशा में आप देखते हो कि जो सोशल बेनिफिट है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट वो कितना है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू, यहां आप देखो इस कर्व में जो बेनिफिट है वो क्यू टू और क्यू टू के बराबर है। सोशल बेनिफिट कर्व से उस पर आप देखो ये डिस्टेंस वहां पे आप ड्रा करोगे क्लाइंट, तो पी टू क्यू टू जो क्या है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, और जो सेक्रीफाइस है वो कितना है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज एस टू क्यू टू, यानी मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस टैक्सेशन के कारण बहुत ज्यादा है और जो एक्सपेंडिचर के कारण जो एडवांटेज हो रहा है सोसाइटी को वो हो रहा है पी टू क्यू टू के बराबर, ठीक। तो यहां पे क्या है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एस टू क्यू टू इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट पी टू क्यू टू। तो इस दशा में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रिड्यूस करेगी, और टैक्स रिड्यूस करोगी तो उसके रिजल्ट के रूप में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम होगा, और वो किस बिंदु तक आएगा, जब तक मैक्सिमम सोशल एडवांटेज नहीं हो जाता, अर्थात जब तक ओक्यू के बराबर खर्च नहीं होगा, जो टैक्स होगा और एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तब तक ये टैक्स में गवर्नमेंट कमी करती जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार आप देखते हो कि डाल्टन ने एक डायग्राम के माध्यम से मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के माध्यम से यह बताया कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब होता है और कैसे प्राप्त होता है और किस बिंदु पर होगा, ठीक। अभी आपने इसका स्टडी किया कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज ऑब्टेंड एट दैट पॉइंट वेयर एमएसएस एंड एमएसबी कर्व विल इंटरसेक्ट टू इच अदर, ठीक। तो ये ओपी हो गया आपका, टैक्स और एक्सपेंडिचर का क्वांटिटी, और यहां पे ओआर या पीक्यू जो हो गया वो हो गया आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट या मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।